गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। तो भाई मेरे सामने खड़ी है स्कॉर्पियो एन और टाटा हैरियर। भाई आज हम इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस करेंगे। हम आ गए हैं भाई आज ट्रैक पे और ये गाड़ी मेरे अंकल जी की है, वो रहे उधर। और इस गाड़ी को आप पहले भी कई बार कई वीडियो में देख चुके हो। मैंने इस गाड़ी का ओनरशिप भी किया था और ड्रैग रेस भी करी है, थार के साथ भी करी है और स्कॉर्पियो वैन 4x4 डीजल ऑटोमेटिक के साथ भी करी है। अगर पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस गाड़ी में मिलता है 2.2 लीटर का डीजल एम होक इंजन, जो कि निकालता है 175 bhp एंड 400 nm का टॉर्क। और अगर हैरियर की बात करता हूँ तो 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो कि पावर है इस गाड़ी में 165 bhp एंड 350 nm का टॉर्क। और मोड्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं आपको, इसमें जिप, जैप, जूम और इसमें मिलते हैं इको, कम्फर्ट एंड स्पोर्ट। तो दोनों की रेस आज हम कंफर्ट में भी करेंगे और स्पोर्ट्स में भी करेंगे। इको में करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इको सिर्फ और सिर्फ माइलेज और गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर हो जाएगी, पावर निकालेगी नहीं। तो एक बार अंकल जी से पूछते हैं कि अंकल को कौन सी लग रही है। तो अंकल जी कैसे हो? बढ़िया बेटा, बढ़िया। तो क्या लगता है कौन सी जीतेगी? हैरियर। हैरियर पक्की बात है, चलो शुरू करें फिर। ठीक, तो दो राउंड आप चला लो, दो राउंड फिर आप स्कॉर्पियो चला लेना। तो भाई मैं चला रहा हूँ अभी स्कॉर्पियो और अंकल जी को कॉन्फिडेंस पूरा है कि हैरियर जीत जाएगी, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते कंपटीशन से पहले, भाई कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी मेरे को इतना भरोसा है कि अपनी स्कॉर्पियो जीत जाएगी। तो भाई गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। अंकल जी ए उसमें कंफर्ट मोड में रखना, ठीक है, और एसी ऑन कर लो, एसी ऑन कर लो, ट्रैक्शन भी ऑन ही रखना, ऑफ मत करना, ठीक है ना। तो भाई मेरी भी एसी ऑन कर लेता हूँ मैं और ट्रैक्शन भी ऑन है, ये देख सकते हो भाई ट्रैक्शन ऑन है और नॉर्मल जैप मोड में गाड़ी है। शीशे चढ़ा लो तीसरे ओरन पे। रहेगी 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 रहेगी, अरे भाई पंजाई भाई मैंने एडवांटेज नहीं, लेकिन मेरा ध्यान एकदम ऐसा हो गया था कि जैसे वो बाइक पे जो अंकल थे ना, जो रिक्शा बाइक पे जो साइकिल जो भी थी, कि वो कभी रोड पे ना आ जाए, इसलिए मैंने एकदम एक्सीलरेट छोड़ दिया था। बाकी पूछते हैं अंकल जी से। हाँ जी, रेस छोड़ दी थी मैंने बीच में, चलो कोई ना दोबारा करें। तो अंकल जी से पूछा तो भाई वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने भी रेस छोड़ दी थी, ऐसा लगा कि कभी भाई बच्चे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, कभी ये आगे ना आ जाते, तो इसलिए थोड़ा सा ना एक मन में डर रहता है, तो उसी कारण मैंने भी रेस छोड़ दी थी और उन्होंने भी रेस छोड़ दी। बाकी एक बार इनको फिर से बोल देता हूँ कि भाई साइड हो जाओ प्लीज, करें स्टार्ट तीसरे ओरन पे। तो भाई इसमें भी एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है और नॉर्मल जैप मोड में। नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी इस बार, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं 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 नहीं, ब्रेक ले लिए भाई, ब्रेक 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 ब्रेक। भाई अंकल बहुत दूर चले गए, ब्रेक ही नहीं मारी उन्होंने, तो दो वारी गाड़ी।
इतनी आगे क्यों चले गई? आगे चलानी, जान का ब्रेक ना मारी मैं, क्यों ब्रेक पेट गई? अच्छा खाली 100 तक करेंगे, 100 110 लास्ट। कितनी होगी? ये तो 130 जा रही थी, मैं देख रहा था ना, 100 तक करते फिर रिस्क भी नहीं रहता ना इतना ज्यादा। चलो चलते हैं। ना यहाँ से नहीं, यहाँ पे बीच में ना वो कट है, वो दो हाईवे का वो आ रहा है बीच में। आप एक काम करो, ट्रैक्शन ऑफ कर लो, एसी बंद कर लो। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना बेनिफिट मिलता है। मेरा एसी ऑन है मेरी गाड़ी का, और नॉर्मल मोड में, आपकी नॉर्मल में है ना, कंफर्ट में। ठीक है, एसी बंद कर लो, ट्रैक्शन बंद कर लो। तो भाई एडवांटेज दे दिया है टाटा हैरियर को अपनी गाड़ी का, एसी ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन है, और अब देखते हैं जैप मोड में सिर्फ 100 110 तक ही करेंगे। भाई अब भी रहेगी? नहीं भाई नहीं, बहुत ज्यादा गैप है भाई गाड़ी में, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, नहीं आ पाएगी भाई, नहीं आ पाएगी। एक काम करो, स्पोर्ट्स मोड लगा लो, एसी बंद, ट्रैक्शन ऑफ, और ए स्पोर्ट्स मोड। अरे बहुत यहीं तक करते हैं, तो मैं भी इस बार जैप नहीं जूम लगा लेता हूँ और एसी को कर देता हूँ ऑफ। स्पोर्ट्स मोड लगा हुआ है ना, एसी भी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, खाली 100 की स्पीड, 100 तक। अगर 100 की आपकी पहली चली जाए तो आप ब्रेक मार लेना, मेरी जाएगी तो मैं ब्रेक ले लूँगा। तो अभी मेरा भी जूम मोड लग गया गाड़ी का, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन है, और चलते हैं। भाई कैच कर कर, चल 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 चल। बराबर थी एक ही बार हैरियर आगे थी। एक लास्ट राउंड करते हैं। तो भाई सेम अब की बार भी लास्ट एंड फाइनल राउंड कर रहे हैं गाड़ी हैरियर का भी। हमने एसी सब कुछ सेम है, वही स्पोर्ट्स मोड लगा हुआ है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, मैंने भी जूम मोड लगा रखा है, एसी ऑफ और ट्रैक्शन भी ऑफ कर लिया है, और 3 हॉर्न पे चलते हैं। भाई बहुत ज्यादा गैप, ट्रैक्शन ऑफ करने का इतना तो फर्क मिला, लेकिन इस गाड़ी का भाई अब ऑटोमेटिक ट्रैक्शन ऑन हो जाता है, और भाई जो 100 120 तक जो बोलते हैं जिसकी पहले जाएगी ब्रेक, भाई हम रिस्की ड्रैग रेस नहीं करते हैं। मेरे चैनल पे आपको कभी भी रिस्की ड्रैग रेस नहीं मिलेगी कि मैं 140 150 160 की स्पीड में भगा रहा हूँ। अच्छा ना ना आर्गी और चलाने का फर्क है, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो, वेट भी उस गाड़ी में वेट भी ज्यादा है, पर वेट तो इसमें ज्यादा है। आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी में वेट ज्यादा है? उसमें 200 किलो ज्यादा है। 200 किलो इसमें पावर भी कम है, ये 165 bhp या 175 bhp, 10 bhp 10 घोड़े फालतू, टॉर्क भी ज्यादा इसमें, 50 nm का टॉर्क ज्यादा, वो 350 या 400 है। तो आ जाओ यहीं पे एंड कर लेते हैं वीडियो को, बराबर लगा लेते हैं। तो भाई यही थी ड्रैग रेस, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 4 राउंड करे हैं, लेकिन चारों राउंडों में स्कॉर्पियो जीती, एक राउंड में हैरियर आगे थी, वो क्या कारण हुआ मेरे को नहीं पता, अंकल ने शायद चाहे तो जल्दी लॉन्च करी थी। बाकी दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट में किंग है भाई, हैरियर भी टाटा की तरफ से काफ़ी अच्छी गाड़ी आती है, और स्कॉर्पियो एन तो बिग डैडी है ही। बाकी आज की वीडियो को करता हूं मैं यहीं पर ही एंड, उम्मीद करता हूं आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलता हूं कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।